सिखा रहे हैं इजी मटन तवा कढ़ाई। तो इसके लिए हम सबसे पहले मटन लेंगे, उसमें हम हाफ स्पून नमक ऐड कर देंगे। उसके बाद हम दो बादियान के फूल, दो कड़ी पत्ता और तीन लौंग, और ये देखिए एक हमारे पास दालचीनी का, और इससे के साथ ही हम एक ग्लास वाटर ऐड कर देंगे। अब हम इसे प्रेशर लगा देंगे ताकि ये गल जाए और साइड पर हम तवे पर मसाला बनाएंगे। तो अब हम हसबे जायका अपना ऑयल लेंगे, ये देखें ये देखें, ये हम तकरीबन कटी हुई चॉप की हुई बल्कि प्याज इसमें ऐड करेंगे मसाले के लिए। ये देखें अब हम ये देखें, अब ये हम इसमें ये टमाटर ऐड करेंगे, इन्हें अच्छे से ऐड कर लेंगे। हाफ चम्मच हल्दी, हाफ चम्मच नमक का ऐड करेंगे क्योंकि हम पहले ही नमक ऐड कर चुके हैं, इसलिए कम ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें सुरख मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख रहे हैं इन मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हम तवा मटन कढ़ाई बना रहे हैं तो इसलिए हम ये मसाला तवे पर फ्राई। 1 टेबल स्पून हमारा गरम मसाला पाउडर है और 2 टेबल स्पून हमने ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा इसमें ऐड किया है। ये देखें फ्रेंड्स, ये जो हमने गोश्त रखा था प्रेशर में 15 मिनट के लिए, ये अब काफ़ी हद ये गल चुका है बिल्कुल। अब हम इसे अपने तवे पर ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हम अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपने तवे पे। हमने ये ऐड कर दिया इसके ऊपर। आप ये देखें, अब हम इसमें दही ऐड करेंगे, इसकी वजह से इसका मसाला क्रीमी क्रीमी हो जाएगा। ये देखें आखिर में हमारी मटन रेसिपी, तवा रेसिपी रेडी है। आखिर में हम इस पर ये हरी मिर्चें लास्ट पे ऐड करेंगे इसकी गार्निश, और इसमें हम थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे।